हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प MK। आज आप लोगों को दिखाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर का बैटरी कैसे चेक करेंगे। ये जितना बैटरी है इस बैटरी मीटर से चेक करके बताएंगे ये बैटरी बैड है, मतलब ख़राब हो गया है, या वर्किंग कंडीशन पर है, या बैटरी गुड कंडीशन पर है। ठीक है, ये तीनों इस वीडियो में बताएंगे। कई बार ऐसा भी होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर का माइलेज कम हो जाने पर मिस्त्री के पास जाते हैं और चेक कराते हैं ये चीज़ वो चीज़ जो मेरा माइलेज कम हो गया है। अब लोग बैटरी नया लगाए हैं, एक दो महीना हुआ है, फिर भी माइलेज कम हो सकता है बैटरी ख़राब होने से। तो बैटरी चेक कैसे करता है इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में दिखाएंगे ये बैटरी चेक मीटर से कैसे बैटरी चेक करता है आपका बैटरी कैसा है। और ये मीटर चाहिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, अमेजोन से आप लोग ले सकते हैं। और ये बैटरी कैसे चेक करता है हमने मल्टीमीटर से एक वीडियो में दिखाया था, जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका ये मीटर नहीं है तो मल्टीमीटर से कैसे बैटरी चेक करता है आपका बैटरी ख़राब है या अच्छा है लोड कंडीशन पर, हमने इस वीडियो में दिखाया था, ये वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं बैटरी का कंडीशन कैसा है और इस मीटर के बारे में डिटेल्स बताते हैं, ये मीटर कैसे ऑपरेटिंग करता है, इस मीटर में कैसे बैटरी चेक किया जाता है, बैटरी गुड कंडीशन पर है या वर्किंग कंडीशन पर है, या बैटरी बैड कंडीशन पर है मतलब ख़राब हो गया है। और इस मीटर से आप लोग टोटो का बैटरी भी टेस्ट कर सकते हैं। 2 वोल्ट बैटरी टेस्ट होगा, 6 वोल्ट बैटरी टेस्ट होगा, 12 वोल्ट बैटरी टेस्ट होगा और 4 एम्पियर से 500 एम्पियर तक बैटरी इस मीटर से टेस्ट होगा। सभी बैटरी जितना लीड एसिड बैटरी है टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं ये बैटरी कैसे टेस्ट करता है, बैटरी खराब कंडीशन पर है या अच्छा कंडीशन पर है। तो देखिए मेरे पास 8 पीस बैटरी है, 8 पीस बैटरी को चेक करके दिखाते हैं कौन सा बैटरी ठीक है और कौन सा बैटरी खराब हो गया है, कौन सा बैटरी वर्किंग कंडीशन पर है, कौन सा बैटरी गुड कंडीशन पर है, दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मीटर का जो प्लस टर्मिनल है ये रेड वायर है, बैटरी का प्लस टर्मिनल पर लगाना होगा, और ये जो मीटर का ब्लैक वायर है बैटरी का माइनस टर्मिनल पर लगा लेना होगा। तो हमने लगा लिए हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए मीटर शो कर रहा है 12 वोल्ट, ये जितना शो करेगा बैटरी जितना वोल्ट है उतना शो करेगा। अगर 6 वोल्ट बैटरी है तो 6 शो करेगा, 2 वोल्ट बैटरी है तो 2 शो करेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर 12 वोल्ट शो कर रहा है और मीटर का ये उल्टा तरफ है, मेटल का पोजिशन यहाँ पर हीट होता है, हीट होना इसका माइनर बात है, हीट होता है बैटरी चेक करने का टाइम, ये नॉर्मल बात है। तो आप लोगों को यहाँ पर पकड़ना है और बैटरी चेक करना है। देखिए 12 वोल्ट दिखा रहा है, ये माइनस टर्मिनल हटा के दिखा देते हैं, देखिए बैटरी का वोल्टेज हट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह वोल्टेज भी यहाँ पर दिखाएगा, तो बैटरी वोल्ट है 12। आप लोगों को मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाएंगे बैटरी कितना वोल्ट है। तो बैटरी कैसे चेक करता है अब आप लोगों को दिखाते हैं। और उसके बाद ये जो स्विच है, ये स्विच आप लोगों को 3 सेकंड ऑन करना है। अगर आप लोग ये स्विच 3 सेकंड से ज़्यादा करते हैं तो ये मीटर ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए सिर्फ 3 सेकंड ही ऑन करना है। और मीटर का काटा है जो, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है येलो, येलो मतलब ये बैटरी वर्किंग कंडीशन पर है। यहाँ पर देखिए लिखा है, ये जो स्विच है ये ऑन करने से ग्रीन पर रहता है तो ओके है, और येलो पर रहता है तो वर्किंग कंडीशन पर है, और रेड पर रहता है, ये काटा रेड पर रहता है तो बैड पर है, मतलब बैटरी ख़राब हो गया है। ऐसे करके अब लोग को देखना है, फिर एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये स्विच ऑन करते हैं, ये जो स्विच है ऑन करते हैं, काटा पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 10 पर आ रहा है, 10 और येलो पर, मतलब ये बैटरी वर्किंग कंडीशन पर है, ये बैटरी ओके नहीं है, इसके लिए भी माइलेज कम हो सकता है। और आप लोगों को बता देंगे एक बैटरी अगर ख़राब होता है तो चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट बैटरी पर लगा लेते हैं, ये भी लगा लिए हैं। अब मीटर पर ध्यान दीजिएगा, ये स्विच हमने ऑन कर रहे हैं, ये जो स्विच है ये स्विच, तो देखिए कितना शो कर रहा है, दिखा रहे हैं, तो देखिए ये भी येलो शो कर रहा है, मतलब ये भी वर्किंग कंडीशन पर है।
अगर 10 से ज़्यादा रहेगा तो वर्किंग कंडीशन पर है, येलो पर रहने से मतलब ये बैटरी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बैटरी दिखा देते हैं, ये भी लगा लेते हैं। तो देखिए लगा लिए, उसके बाद काटा दिखा रहा है 12 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज है, चार्ज ठीक है। उसके बाद ये स्विच ऑन कर रहे हैं, तो देखिए ये जो है ये भी ग्रीन से इधर आ रहा है, मतलब ये भी वर्किंग कंडीशन पर है। सिर्फ ग्रीन पर रहेगा तो बैटरी पूरा ओके है। ये बैटरी भी देख लेते हैं, तो देखिए ये भी 12 वोल्ट शो कर रहा है, चार्ज ठीक है। और ये जो रिजल्ट आप लोग देखेंगे, बैटरी फुल चार्ज करके रिजल्ट देखिएगा तो सही से रिजल्ट आएगा। अगर बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो यहाँ पर शो करेगा 12 से नीचे है वोल्ट, तो आप लोगों को बैटरी फुल चार्ज करके चेक करना है तो सही रिजल्ट आएगा। तो देखिए फिर ये स्विच देते हैं, तो देखिए ये ग्रीन कंडीशन पर है, ये जो है 11 से 12 का बीच में है। यहाँ पर देखिए छोटा लिखा है 11 से 12, इसके बीच में है, ग्रीन कंडीशन पर है, मतलब ग्रीन पर रहने से बैटरी पूरा ओके है। ये जो बैटरी है पूरा ओके है, यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए फिर एक बार स्विच देते हैं, ये स्विच 3 सेकेंड। तो देखिए ये ग्रीन पर है, मतलब ये बैटरी पूरा ओके है। उसके बाद ये बैटरी दिखा देते हैं, ये जो बैटरी है इस बैटरी पर लगा लिया, उसके बाद शो कर रहा है काटा वोल्टेज 12 वोल्टेज है। उसके बाद ये स्विच जो है ये 3 सेकंड दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये भी ग्रीन पर है, ये भी बैटरी पूरा ओके है। उसके बाद ये बैटरी चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये भी 12 वोल्ट है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये भी ग्रीन पर है, मतलब ये बैटरी ओके है। यहाँ पर लिखा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ग्रीन मतलब ओके, येलो मतलब वर्क, मतलब वर्क कंडीशन पर है, और रेड मतलब बैड। उसके बाद नेक्स्ट बैटरी चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये भी वोल्ट दिखा रहा है 12 से ऊपर, मतलब 12 वोल्ट है। उसके बाद ये स्विच देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये रेड पर आ जा रहा है, 10 से नीचे आ जा रहा है, हमने छोड़ दिए, 10 से नीचे आ जा रहा है, मतलब ये बैटरी खराब हो गया है, बैड। यहाँ पर रेड है, बैड लिखा हुआ है, ये बैटरी पूरा खराब हो गया है। उसके बाद ये बैटरी भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये स्विच देते हैं, तो देखिए रेड के नीचे आ जा रहा है, 6 वोल्ट की तरफ आ जा रहा है, मतलब ये जो है 6 लिखा, ये इधर आ जा रहा है, रेड से नीचे आ जा रहा है, मतलब पूरा खराब हो गया है, ये लगाने से गाड़ी नहीं चलेगा। और वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहा है 12, आप लोगों को मल्टीमीटर से दिखा देंगे। तो देखिए फिर एक बार दिखा दे रहे हैं, वोल्टेज 12 दिखा रहा है, ये स्विच 3 सेकंड के लिए दे रहे हैं, देखिए। तो देखिए रेड से नीचे आ जा रहा है, ठीक है, रेड से नीचे आ जा रहा है, यहाँ पर 6 जो लिखा है यहाँ पर आ जा रहा है, तो ये बैटरी पूरा खराब हो गया है। एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए ये जो 2 लिखा है, रेड ग्रीन येलो है, ये 2 वोल्ट बैटरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 लिखा है, रेड येलो ग्रीन है, यहाँ पर 6 वोल्ट बैटरी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट लिखा है, रेड येलो ग्रीन है, मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी टेस्ट कर सकते हैं, और 4 से 500 एम्पियर तक बैटरी टेस्ट कर सकते हैं, टोटो का बैटरी टेस्ट कर सकते हैं, लीड एसिड बैटरी जितना है टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग बैटरी टेस्ट कर सकते हैं, बैटरी खराब हो गया है या अच्छा है। तो मान लीजिए ये टेस्ट हो गया, आप मल्टीमीटर से आप लोगों को दिखा देते हैं कितना वोल्टेज है सभी बैटरी का। यहाँ पर रखते हैं मीटर, दिखाई देगा अच्छा से आप लोगों को। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए ये जो खराब बैटरी है 13 से ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है। वोल्टेज अच्छा रहने से बैटरी अच्छा नहीं होता है, बैटरी का एम्पियर चेक करना पड़ता है, लोड टेस्ट करना पड़ता है। तो ये बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 13 से ज़्यादा, फिर भी बैटरी खराब है। और ये बैटरी भी दिखा देते हैं, देखिए ये भी 13 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बैटरी पूरा ख़त्म हो गया है। तो बैटरी का वोल्टेज सही रहने से बैटरी अच्छा नहीं होता है, ये इसीलिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं। सभी लोग बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं और बैटरी असल में ख़राब होता है, तो मीटर से चेक कर सकते हैं। अब लोगों को दिखा दिया, और ये सभी बैटरी का वोल्टेज एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये भी देखिए, ये 13 से ऊपर वोल्टेज है, ये भी देखिए 13 से ऊपर वोल्टेज है, ये भी देखिए 13 से ऊपर है, ये भी देखिए 13 से ऊपर वोल्टेज है, ये भी देखिए 13 से ऊपर वोल्टेज है,
ये भी देखिए 13 से ऊपर वोल्टेज है, मतलब सब 13 से ऊपर वोल्टेज दिखा रहा है लेकिन बैटरी खराब है। ऐसे करके आप लोग बैटरी टेस्ट कर सकते हैं, इस बैटरी मीटर से आप लोगों को बता देगा बैटरी अच्छा है या खराब हो गया है। और ये भी बता देते हैं, इसमें जो बैटरी खराब है अगर वो बैटरी एक पीस चेंज कर लेते हैं, वन पीस या टू पीस खराब है चेंज कर लेते हैं, तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भी बैटरी चेंज करेंगे पूरा सेट का सेट चेंज करिए। मान लीजिए आपका 48 वोल्ट है तो 4 बैटरी चेंज करिए, 60 वोल्ट गाड़ी है तो एक साथ 5 बैटरी चेंज करिए, 72 वोल्ट है तो 6 बैटरी एक साथ चेंज करिए। एक बैटरी या 2 बैटरी या 3 बैटरी चेंज करने से आप लोगों को रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, माइलेज नहीं मिलेगा। जो बैटरी लगाया हुआ है नया वो भी खराब हो सकता है, और जो बैटरी अच्छा दिखा रहा था वो भी खराब हो सकता है। तो जब भी बैटरी चेंज करिएगा, एक साथ चेंज करिए तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, 1 साल का वारंटी मिलेगा। एक पीस बैटरी अगर लगा लेते हैं तो वारंटी आप लोगों को नहीं मिलता है एक पीस बैटरी का। तो इसीलिए आप लोगों को जब भी चेंज करना है पूरा सेट के सेट बैटरी चेंज करना है। और एक बात आप लोगों को बताते हैं, बैटरी रोटेशन करना जरूरी है। अगर 2000 किलोमीटर चल गया है तो बैटरी रोटेशन करिए, नहीं तो 3 मंथ के बाद बाद बैटरी रोटेशन करिए। बैटरी रोटेशन करने से बैटरी का माइलेज बढ़ता है, कोई भी एक बैटरी खराब नहीं होता है, एक साथ सभी बैटरी का एम्पेयर कम होता है। तो इसीलिए बैटरी रोटेशन करना ज़रूरत पड़ता है। और बैटरी रोटेशन करना वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके देख सकते हैं, ये वीडियो सभी वीडियो है, सभी मॉडल का वीडियो है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का। आप लोग बैटरी रोटेशन ज़रूर करिए। तो इसी तरह आप लोग नया नया इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेक्निकल हेल्प एम के चैनल को। और सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।